नजोवा क्षेत्र के जोगीरामपुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह आलिया नजवे हिंद पर चल रही सालाना मजलिस में दुनिया भर से लोगों का आना शुरू हो गया है। दुनिया भर से लोगों के यहाँ पहुँचने के साथ साथ राजनीतिक हस्तियाँ भी दरगाह पहुँच रही हैं। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आबदी ने भी दरगाह पहुँचकर चादर चढ़ाई। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री एवं नगीना विधायक मनोज पारस भी मौजूद रहे। सपा राष्ट्रीय सचिव के नजीबाबाद पहुँचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो ये चार दिन का यहाँ पे मखसूसी प्रोग्राम है, पूरी दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि 5 लाख से ज़्यादा आवाम यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आई है। हम भी वहाँ पर अपनी आस्था की पेशानी झुकाने के लिए जा रहे हैं और तकरीर करेंगे वहाँ पर और इंसानियत का पैगाम देंगे। अपनी समाजवादी पार्टी मजलिस में तो नहीं बल्कि लोगों से मिलकर जो समाजवादी पार्टी ने 4 साल में काम किए, मैं समझता हूँ कि वल्लभ भाई पंत से लेकर और आज माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तक 20 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में गुजरे हैं। ज़िले को 4 लेन से जोड़ दिया है, मेन NH-24 से हर आगरा से जो लखनऊ 8 लेन, मैं समझता हूँ कि पूरे एशिया में शायद ही कहीं होगी जो अमेरिका के कर्ज पर जो 8 लेन रोड बन रही है, हाईवे बन रहा है, वो भी अपनी एक मिसाल है। आगरा से लखनऊ, जैसा कि हम 2012 में अपनी तकरीर में अपने भाषणों में कहते थे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हाथ के पंखे चलना बंद हो जाएंगे और छत के पंखे चलेंगे।